मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घुमारवी में पत्रकारों से विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा दी गई टिप्पणी पर कहा कि विक्रमादित्य सिंह पहली बार विधायक बने हैं, जबकि वह कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सी सरकारें देखी हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से इस बात का जवाब देते हुए कहा कि जब वह पहली बार विधायक बने हैं तो इससे पहले जिन सरकारों को देखने की वह बात कर रहे हैं तो शायद वह अपने पिता के समय की सरकारों की बात कर रहे हैं। पहली बार विधायक बनने के बावजूद वह बहुत अनुभवी हैं, उनकी बात से ऐसा लग रहा है, इसलिए वह शायद ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में पटक पटक कर मारने जैसे शब्द इस्तेमाल करना किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों का हिमाचल प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। कर्मचारी और अधिकारियों को धमकी देना, पटक पटक कर मारना, ऐसा शब्द उन्होंने पहली बार सुना है। मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें संयम से काम लेना चाहिए क्योंकि वह एक विधायक हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हर कर्मचारी और विधायक का काम करने का एक दायरा होता है और वह देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपचुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से चुनावों की पूरी तैयारी हो चुकी है, उम्मीदवार तय होते ही अगली रणनीति तय की जाएगी। मुझे तो बहुत विचित्र लग रहा है, वो बहुत एक तरफ से बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, पहली बार विधायक बने हैं, और उसके बाद कितनी सरकारें देखी है वो अपने पिताजी के समय की सरकारों का शायद जिक्र कर रहे थे। मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों का हिमाचल के विकास में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। कर्मचारियों को इस प्रकार से धमकी देना सार्वजनिक मंच से और पटक पटक करके मारेंगे, तो ये शब्द हमने पहली बार सुना और ये कोई जिम्मेदारी के साथ बात कही गई ऐसा नहीं है। उनको समझना चाहिए कि वो अब विधायक हैं और अब विधायक होने के साथ साथ में कर्मचारियों और अधिकारियों का एक दायरा होता है काम करने का, और हिमाचल प्रदेश के विकास, किसी प्रदेश या देश के विकास में उनका एक योगदान होता है। इससे ज़्यादा मुझे उनको कुछ ज़्यादा सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है, जैसे वो कह रहे हैं कि बहुत सारी सरकारें देखी हैं। आगामी चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं, कैंडिडेट तय होने हैं, उसके बाद चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, बीजेपी अभी पिछड़ी है। घोषणा तो नहीं की है, पैनल भेजा है, जानकारी मिली है, फिर भी हम भी बहुत जल्दी घोषणा करेंगे। थैंक यू। मंडी से किसको लड़ाना चाहते हैं? कोई लड़ेगा, पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। अभी तक कुछ नहीं है, क्या सकते, आज चुनाव समिति की बैठक का क्या करते हैं। राकेश के ऊपर क्या बोलना चाहिए? कुछ नहीं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं।